सो गाइस, अगर आप लोग एक एयरटेल सिम यूज़र है, अगर आप लोग एक वीआई सिम यूज़र है और आपका जो सिम कार्ड है गाइस, एयरटेल का सिम कार्ड और वीआई का सिम कार्ड, अगर आप लोग जियो में पोर्ट करा लिया, आपका केवाईसी वगैरह भी हो चुका है, आपका पास फिजिकल सिम भी मिल चुका है, अभी गाइस आपका दिमाग में एक कन्फ्यूजन घूम रहा है आपका सिम कब चालू होगा। क्योंकि गाइस कुछ अलग अलग सर्कल में एक्टिवेशन का कुछ अलग अलग डेज लगता है, जैसे कि कुछ सर्कल में आप लोगों को 3 डेज में भी चालू हो जाता है, कुछ सर्कल में आप लोगों को 5 डेज में भी चालू हो जाता है, कुछ सर्कल में आप लोगों को 15 डेज भी लगता है। तो गाइस आप लोग कैसे देख सकते हो आपका सिम कब चालू होगा? आप लोग जैसे केवाईसी वगैरह किया जियो में पोर्ट कराने के टाइम आपका एक अल्टरनेट नंबर देना पड़ता है, जैसे कि मैंने भी प्रोवाइड किया, तो आप लोगों को उस अल्टरनेट नंबर पे एक एसएमएस मिल जाएगा, जैसे कि गाइस आप लोग देख सकते हो इस तरीके का कुछ एसएमएस, जिधर आप लोगों को आपका जो कनेक्शन आप लोग जियो में पोर्ट कराए वो नंबर दिख जाएगा, उसके साथ साथ गाइस आप लोगों को एक ट्रैकिंग आईडी दिख जाएगा और आपका नंबर भी दिख जाएगा। तो सिंपली आप लोगों को आपका जो ट्रैकिंग आईडी है, जो ऑर्डर नंबर है, इसको कॉपी कर लेना है। उसके बाद गाइस इस एसएमएस का अंदर भी ट्रैक करने का एक लिंक मिल जाता है, अगर गाइस इस लिंक में क्लिक करके आप लोग करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो आप लोग गूगल क्रोम में जाके जियो ट्रैकिंग लिंक को भी कर सकते हो। तो ऐसे इस लिंक में जैसे ओपन करोगी, लिंक में ओपन करने के बाद गाइस ऐसे एक पेज ओपन हो जाएगा, अगर गाइस गूगल क्रोम में जाके भी करते हो तो सेम चीज़ आप लोगों को ओपन होता है। सिंपली इधर आप लोग आपका जो ट्रैकिंग आईडी है उसको डाल देना है, उसके बाद प्रोसीड वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड वाला ऑप्शन में क्लिक कर देते हो, आपका जो नंबर पोर्ट हुआ, मतलब पहले कुछ अलग कंपनी में था अभी दूसरी कंपनी में शिफ्ट हुआ, तो गाइस इसका अंदर आप लोगों को एक एसएमएस मिल जाएगा, उसका अंदर ओटीपी रहेगा, तो सिंपली उस ओटीपी को आप लोगों को फिलअप कर देना है। तो चलिए मेरा जो ओटीपी है मैंने फिलअप कर दिया, उसके बाद वेरीफाइड में क्लिक करके आप लोगों को वेरीफाई कर लेना है। तो जैसे वेरीफाई कर लेंगे आपका सामने ऐसे एक इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा, जिधर आपका जो टाटस है वो कौन सा मूड में है वो भी देखा रहा है, जैसे कि गाइस आप लोग देख सकते हो मेरा प्रोसेसिंग में है और मेरा कनेक्शन है जियो का, और गाइस मेरा ऑर्डर नंबर क्या है वो भी शो हो रहा है। तो सिंपली आप लोगों को इस कॉर्नर में क्लिक कर देना है, जैसे क्लिक कर देंगे फिर से गाइस आप लोग देख सकते हो जियो सिम, आपका ट्रैकिंग आईडी और कौन सा डेट में मैंने एप्लीकेशन किया था वो भी दिखा रहे, और मेरा ऑर्डर भी प्लेस हो गया और मेरा डिलीवरी, मतलब मेरा जो केवाईसी है केवाईसी कंप्लीट हो चुका है, मेरा सिम भी मेरे पास मिल गया, लेकिन मेरा कनेक्शन कब एक्टिव हुआ, जैसे कि गाइस आप लोग देख सकते हो इधर थोड़ा ध्यान से देखिए, मेरा जो एक्टिवेशन स्टेटस है गाइस आप लोग देख सकते हो, योर रिक्वेस्ट मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी इज योर करेंटली ऑपरेटर, योर नंबर विल बी एक्टिवेट ऑन जियो नेटवर्क 2 सितंबर 2023, मतलब मेरा जो कनेक्शन है 30 अगस्त को मैंने अप्लाई किया था और मेरा कनेक्शन अभी 2 सितंबर को मेरा चालू होने वाला है। तो ऐसे करके आप लोग देख सकते हो आपका सिम कब चालू होगा, क्योंकि गाइस मैंने जो बताया था कुछ अलग अलग सर्कल में कुछ अलग अलग टाइम लगता है, तो ऐसे करके आपका स्टेटस इजीली चेक करा सकती हो और आपका जो सिम है उसको इजीली आप लोग यूज़ कर सकते हो। सो गाइस आज इस वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं, वीडियो अच्छा लगता है लाइक कर देना और मेरे चैनल पे नया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।